नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए 1 BHK बिग साइज का कारपेट एरिया वाला फ्लैट रहेगा, वो भी आपका नियर बाय स्टेशन रहेगा। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, 1 महीने का अंदर अंदर इस वाले बिल्डिंग का आपको वजेशन मिल जाएगा। G+6 का ये बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड है, OC के लिए अप्लाई कर दिया है। 1 से 1.5 महीने के आसपास में OC मिल जाएगा, आपको वजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा शानदार सा 1 BHK 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट को, आप लोग देख लीजिए, ये फ्लैट आपको जरूर पसंद आएगा। एक एक करके शुरुआत करते हैं, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए, कमेंट्स करके आपको ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको पैसेज का एरिया को दिखाना चाहूँगा, आपका फ्लैट का बाहर कितना फ्लैट रहेगा। इस तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक आपको फ्लैट मिल जाएगा, इसके अलावा इस तरफ एक आपका फ्लैट रहेगा और उस सामने की तरफ आपका 2 फ्लैट रहेगा। तो हर फ्लोर पर यहाँ पर आपको 5-5 करके फ्लैट दिया गया है और सभी फ्लैट अगर आप देखोगे तो सब आपका 1 BHK का रहेगा। कोई आपका 580 स्क्वायर फीट का रहेगा, कोई आपका 600 620 स्क्वायर फीट का, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पर 1 BHK का देखने के लिए मिलेगा। बजट के हिसाब से आप जा सकते हो, स्टेशन से आपका 5 मिनट का वॉकिंग है, ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपको मिल जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग साइज, अगर आप देखोगे तो बिग साइज का आपको मिलेगा यहाँ पर आपका लिविंग। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो 13 फीट का आसपास आपको लंबाई में आपका लिविंग रहेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा 11 फीट का आसपास। तो 11x13 का आसपास का ये हो गया आपका लिविंग। इस तरफ देखोगे तो बड़ा सा एक आपको यहाँ पर विंडो मिल जाएगा, विंडो को बाहर का व्यू अगर आप देखोगे तो आसपास में आपको काफ़ी सारे G+4 G+3 ऐसे आपको बिल्डिंगे नजर आ जाएगा। बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है। फिलहाल मैं जो शूट कर रहा हूँ ये वाला फ्लैट है आपका कॉर्नर वाला फ्लैट। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, कुछ कुछ लोग जो हेटर्स लोग रहते हैं ना, ऐसे लोग ज़्यादा करके कमेंट्स करते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, जंगल एरिया है फ्लैट का, ये ऐसे है वैसे है, ऐसे अनाप शनाप बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। 1200 से 1300 वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किया है, लेकिन कभी भी मैंने ऐसे कमेंट्स को कभी भी रिप्लाई नहीं दिया है। अगर आप लोग देख रहे हो फ्लैट को मेरे इतने दिन से वीडियो देख रहे हो, तो आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि इतने हेट कमेंट्स को मैं कभी भी रिप्लाई नहीं देता और आगे भी नहीं दूंगा। मैं उन सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर आपको फ्लैट में कुछ कमियाँ नज़र आ रहा है या फिर बिल्डिंग में कुछ कमी नज़र आ रहा है, तो उस चीज़ का ऊपर कमेंट्स करें, ना ही ये जंगल है, ये बकवास है, ये खराब है, ये वो है वो है, ऐसे कमेंट्स अच्छा नहीं लगता है। हमारे व्यूअर्स के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, ना कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है, बट ऐसे कुछ हेटर्स लोग हैं, मुझे पता है वो कौन लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा उनको कि अगर फ्लैट में कुछ कमियाँ हैं ना, तो उस कमी को दूर करने पर मदद करना चाहिए। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो बिल्डर भी ये वाला वीडियो देखेंगे, अगर कहीं पर कलर का कुछ प्रॉब्लम है तो उसे आप बता सकते हो कि फ्लैट के अंदर ये हुआ है, वायरिंग का कुछ फॉल्ट है तो वायरिंग का कुछ बोल सकते हो कि ये CP फिटिंग नहीं होना चाहिए, वो CP फिटिंग कंपनी का होना चाहिए, ये वायरिंग यूज़ नहीं होना चाहिए, वो वायरिंग यूज़ होना चाहिए, यहाँ पर विंडो के अलावा थोड़ा बहुत स्टैंडिंग बालकनी होना चाहिए, ऐसे कुछ अपने तरफ से कुछ ओपिनियन मिलेंगे ना, तो फिर बिल्डर को समझ में आएगा ये बकवास है, जंगल है, खराब है, फलाना है, ढिंका है, ऐसे कमेंट्स करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो वैसे कमेंट्स मैं कभी रीड भी नहीं करता और मैं डायरेक्टली उसे ब्लॉक कर देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आके कमेंट्स ही ना कर पाए, मैं डायरेक्टली उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। तो स्पेशली ये कहना था कि अगर आपको कुछ बताना है तो जेन्युइन आप रीज़न बताइए उसमें कि ये चीज़ हमें ख़राब लग रहा है, तो ऐसे चीज़ वैसे होना चाहिए, इस तरीके का चीज़ को उस तरीके से ठीक हो सकता है, ऐसे अपनी तरफ से कुछ ओपिनियन दीजिए ना, तो कुछ समझ में आवे। तो ये हो गया आपने लिविंग का एरिया, आप लोगों ने देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है आपका किचन का एरिया। अब इसमें आप क्या बता सकते थे, मेरे हिसाब से अगर एज ए यूट्यूबर अगर मैं बताऊँ, मैं काफ़ी सारे फ्लैट विजिट करता हूँ, तो कैसे होता था, देखिए ये आपका लिविंग हो गया। अगर मैं चाहूँ आपको दरवाजे से दिखाने के लिए, तो लिविंग से लेके पूरा किचन आपका ओपन है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक पार्टीशन होना चाहिए था, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक एक पार्टीशन होता था, एक मीटर के आसपास यहाँ पर एक आपका पैसेज निकल के आ जाता था, किचन थोड़ा सा प्राइवेसी हो जाता था। अगर वीडियो में ये कमेंट्स आता है तो सुनने के लिए कितना अच्छा लगेगा, बिल्डर भी देख के बोलेंगे हाँ बाबा यहाँ पर एक पार्टीशन होना चाहिए था, थोड़ा सा किचन प्राइवेसी रहता था। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर प्राइवेसी चाहिए तो आपको पर्दा लगाना पड़ेगा, बाकी आपका ओपन है, पूरा लिविंग आपका ओपन है, किचन भी आपका पूरा ओपन हो गया। तो जेन्युइन रीज़न बताएंगे तो फिर बिल्डर को समझ में आएगा कि हाँ बाबा ये ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके देता है बिल्डिंग को। इस तरफ अगर आप आओगे तो ब्लैक मार्बल का आपका ये प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक है, पानी आपको ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी, वॉल टू वॉल शानदार क्वालिटी का टाइल्स आपको बीम बॉटम लेवल तक आपको मिल जाता है। बड़ा सा आपको यहाँ पर 6x4 के आसपास का विंडो आपको मिल जाता है, पोजीशन आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 1.5-2 महीने के आसपास में आपको पोजीशन मिल जाएगा। फ्लैट का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी ऊपर से क्लीनिंग करना स्टार्ट हो चुका है और लिफ्ट का काम अभी स्टार्ट हो चुका है। G+6 का ये बिल्डिंग है, स्टिल आपका पार्किंग रहेगा, नीचे सिर्फ आपको सोसाइटी ऑफिस बनाकर दिए जाएंगे। अगर ये वॉशरूम देखोगे तो लंबाई में आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है 6 फीट के आसपास,
ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास मिल जाएगा। वेस्टर्न कोमोट यहाँ पर आपको बिठा कर दे दिया जाएगा, जो कि आज के तारीख में काफ़ी सारे लोग का रिक्वायरमेंट है और ब्रांडेड क्वालिटी का। यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिया गया, बैक साइड में बड़ा सा आपका विंडो रहेगा। सीपी फिटिंग आपको जगवार का सीपी फिटिंग आपको मिल जाएगा। अगर आपको पता है सीपी फिटिंग कौन सा कंपनी का अच्छा है, तो उसमें भी आप कमेंट्स कर सकते हो कि जगवार का अच्छा है, प्लम्बर का अच्छा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का आपको सीपी फिटिंग मिलता है, तो कौन सा अच्छा रहता है वो हिसाब से आप कमेंट्स कर सकते हो कि आज के तारीख में ये ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपका वॉश बेसिन आ जाएगा, फ्रंट वॉल में पूरा आपको टाइल्स लगा दिए गए ताकि हाथ वगैरह धोने पर, तो यहाँ पर कैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, किचन से आए वॉश बेसिन पे आए, वहाँ पर हाथ धोए तो टाइल्स वगैरह नहीं लगा हुआ रहेगा, तो कैसे वॉल डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो ये सारे चीज़ छोटे छोटे पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि आपका घर पर उस तरीके के आपने करके रखा है, तो वो सारी चीज़ आप कमेंट्स कर सकते हो। अब इस तरफ अगर आप आओगे तो ये है आपका बेडरूम साइज़, आप देख लीजिए। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10 फीट के आसपास ऐसे में आपको मिल जाएगा। 4×4 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट तो नहीं कहूँगा, 9.5 फीट, 10 बाय 9.5 का आसपास का ये हो गया आपका बेडरूम दोस्तों। अगर इस तरफ देखोगे तो बड़ा सा एक आपको यहाँ पर विंडो मिल जाएगा। एक बार मैं चाहूँगा आपको बाहर का व्यू दिखा देने के लिए, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर बाहर का व्यू नज़र आ जाएगा। कुछ बंगलो, कुछ G+4, G+3। अगर इस वाले बिल्डिंग का है ना, एक तो सड़क है आपका ये वाला भी है जो कि आपका कच्चे सड़क है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। इसके अलावा इस वाला ठीक ये जो G+4 का सामने बिल्डिंग देख पा रहे हो, इसका अपोजिट में आपका हाईवे है जो कि पक्के सड़क है, लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, पक्के सड़कें हैं। आपका साई मंदिर चौक जो है वो बिल्कुल आपका 1 मिनट का वॉकिंग है, वहाँ पर आपको चिकन के दुकान से लेके, मटन के दुकान से लेके, किराने का दुकान से लेके, सब्जी का दुकान से लेके, सब कुछ आपका चार चौक में आपका अवेलेबल रहेगा। रिलायंस मार्ट आपको जाना है, मेन मॉल श्रीजी मॉल आपको जाना है, वो भी आपका जस्ट आपका 2 मिनट का वॉकिंग पे श्रीजी मॉल है। कभी कभार आपको सैटरडे संडे आपको फिल्म वगैरह देखने के शौकिंग हो आप, तो आप वो वहाँ पर जा सकते हो। दो दो थिएटर है जो कि श्रीजी मॉल के नाम से फेमस है, 200 दुकानें, 2 थिएटर है। कभी कभार आप वहाँ पर भी फैमिली को लेके जा सकते हो। हॉस्पिटल आपका बिल्कुल पास में रहेगा, छोटा हॉस्पिटल चाहिए आपको जहाँ पर 50-100 रुपया में हमारा कुछ ट्रीटमेंट हम दिखा के आ जाए, वैसे वाला भी है। कहीं पर आपका 400-500 वाला फीस वाला भी डॉक्टर है, तो ऐसे सारे सुख सुविधा। अगर आपको सरकारी में जाना है तो सरकारी वाला भी अवेलेबल है, जो जैसे कैपेबल है वो हिसाब से आप जा सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, ऐसे काफ़ी सारे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बड़ा सा यहाँ पर आपको विंडो मिल जाएगा, यहाँ पर एक आपको बालकनी मिल जाएगा 10 फीट के आसपास आपका लंबाई में, और यहाँ पर आपको ग्रिल लगा कर दे दिया जाएगा। ग्रिल आपका कम से कम 3.5 फीट के आसपास तक आपको ग्रिल लगा कर आपको दे दिया जाएगा। ये आपको पूरा फ्लैट मैंने आपको दिखाया 1 BHK आपको 570 स्क्वायर फीट का, इसके अलावा 600 स्क्वायर फीट का, 620 स्क्वायर फीट का, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आपको डिफरेंट डिफरेंट 1 BHK का देखने के लिए मिलेगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, प्राइसिंग यहाँ पर आपको चला जाएगा कम से कम 18 लाख में आपको 1 BHK स्टार्टिंग 570 का मिल जाएगा। इसके अलावा 600 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा 19 लैक्स में, 620 स्क्वायर फीट में जाएंगे तो अप्रोक्स आपको चला जाएगा 20 लैक्स विद रजिस्ट्रेशन, 1 लाख रुपये के आसपास आपके पास डाउन पेमेंट है। ईजिली आप यहाँ पर घर परचेज कर सकते हो, 1 महीने के आसपास में आपको पोजेशन मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग होना चाहिए अप्रोक्स 5 से लेकर 7 मिनट का वॉकिंग पे होना चाहिए, तो ये रेलवे स्टेशन से आपका 5 से लेकर 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, बिल्कुल रेडी पोजीशन, बिल्डिंग अंदर से बाहर से पूरा रेडी हो चुका है। 1 से लेकर 1.5 महीने में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पानी का कनेक्शन भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। अगर इसमें आपको कुछ कमियाँ नजर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ऐसे ना कमेंट्स करें कि ये तो पागल बना रहा है, ये तो फलाना बना, मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता वो सारे लैंग्वेज, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो आपको फ्लैट में कुछ कमियां, बिल्डिंग में कुछ कमियां नज़र आ रहा है, प्लॉट का साइज़ कम है, पार्किंग देना चाहिए था, वो देना चाहिए था, वो देना चाहिए था, जो भी आपको लगता है जहाँ पर आप रहते हो, कुछ आपको चीज़ें अच्छी चीज़, कुछ बुरे चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है, तो वो सारी चीज़ आप अपने तरफ से ओपिनियन दे सकते हो। वो कैसे बिल्डर को समझ में आता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, वो काम ऐसे होना चाहिए था। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 5 से लेकर 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। आप काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशल उन लोगों के लिए नेरल रहेगा डिस्ट्रिक्ट तालुका कस स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। अगर आपका 1 BHK 16 लाख 16.5 लाख का भी बजट है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके विजिटल प्लानिंग कर सकते हो। डाउन पेमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट है तो चल जाएगा। 24-25 हज़ार आपका सैलरी, इजिली आप 90% के आसपास तक बैंक लोन आप ले सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।